बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल गार्डन में भारतीय सफारी, जो आगामी गणतंत्र दिवस पर नागपुर और विदर्भ में पर्यटन को बढ़ावा देगी, वो शुरू हो रही है। आज महाराष्ट्र वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक एन वासुदेवन ने नागपुर में मीडिया प्रतिनिधियों को एक गोल यात्रा दी। 564 हेक्टेयर पर खड़ा यह चिड़ियाघर नागपुर के वैभव में शामिल हो गया है। नागपुर के पास गोरेवाड़ा क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। 25 हेक्टेयर क्षेत्र को एक उच्च जाली पाड़ और चार अलग अलग क्षेत्रों से घिरा हुआ बाघ, बीप, भालू और शाकाहारी जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक सुखद अनुभव है। बाघ 25 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। बीपेट स्वतंत्र रूप से 25 हेक्टेयर के क्षेत्र में घूमते हैं। उनके लिए एक अलग क्षेत्र में भालू घूमते हैं। हालांकि शाकाहारी लोग एक साथ काम करते हैं। चिड़ियाघर में हमारी दुनिया में जानवर को खुलेआम घूमते हुए देखने की विशेषता है। वर्तमान में इन जानवरों को भारतीय सफारी के दौरान सभी चार स्थानों पर देखा जाता है। क्षेत्र में पशुओं के भोजन, आवास और निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। अन्य स्थानों के जानवरों को इस प्राकृतिक आवास में रखा जाता है। गोरेवाड़ा के राजा के रूप में जाना जाता है। बाघ 2017 में भंडारा जिले के तुमसर से चला गया। महाराज बाघ से ली नाम का एक बाघ भी है। यह बाघों की नजरों का आनंद लेते हुए इन दो बाघों को देखने का मौका पाने का स्थान है। बीपेट सफारी में 6 बीप देखे जा सकते हैं। 6 भालू भी क्षेत्र में, यहाँ पर शाकाहारी जीव भी पाए जाते हैं। पत्रकारों की एक टीम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक एन वासुदेवन ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद 26 जनवरी को दोपहर 3 बजे सफारी का उद्घाटन करेंगे। राज्य के वन मंत्री संजय राठौर ने चिड़ियाघर को 1964 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में से 564 हेक्टेयर में सक्रिय बनाने के प्रयास किए हैं और जल्द ही एक अफ्रीकी सफारी शुरू की जाएगी। इससे पहले 2015 में गोरेवाड़ा रिजर्व में सफारी और गोरेवाड़ा वन्य जीव बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया था। उन्होंने कहा कि यहां अंतर्राष्ट्रीय मानव की सुविधाएं दी जाएंगी। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर राम बाबू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव नितिन काकोडकर, मुख्य महाप्रबंधक नागपुर प्रदेश ऋषिकेश रंजन, औषधीय पौधों की शाखा के मुख्य प्रबंधक राव, मुख्य महाप्रबंधक योजना विभाग मीरा अय्यर आदि उपस्थित थे। बड़ा जू जो है, जिसका नाम अभी बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क ऐसे बनाया है, तो उसका उद्घाटन 26 जनवरी को हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय हस्ते, और उसमें प्रमुख मंत्री उपस्थित रहेंगे, श्री एकनाथ शिंदे, श्री आदित्य ठाकरे, श्री सुनील केदार, श्री अनिल देशमुख एंड हमारा अध्यक्ष रहेगा फॉरेस्ट का मिनिस्टर साहब संजय राठौर एंड काफ़ी अदर डिग्निटरीज भी रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे। और इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है नागपुर की हिस्ट्री में, क्योंकि नागपुर का एक बड़ा सपना है गोरेवाड़ा जू, जो 2005 में ये सपने की शुरुआत किसी ने किया था, 2005 में ये कंसीव हुआ, उसके बाद कुछ टाइम निकला, एक कंसल्टेंट को अपॉइंट किया था 2007 में, जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट सिंगापुर से आया था, तो उन्होंने जो पहले जू का डिज़ाइन बनाया था तो वो बहुत बड़ा 700 करोड़ का डिज़ाइन था, तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट फेल दैट इतने अपना करने के लिए क्षमता नहीं है, तो बाद में 2011 तक थोड़ा सा लल रहा, और 2011 में गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि ये जू का कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।